में है ना, तो करना हमें ही है। हाँ, तो मरना भी हमें को है। जैसे ही मरने है तो फिर ईश्वर का रोल कहाँ पे है? ये हमारे मनोज भैया आए हैं और मतलब हमारे रिलेटिव ही है, बुआ जी के बेटे। और ये देखिए मतलब कितना बढ़िया, ये मेरे को सबसे, अब ये कुछ भी लाए हो मुझे ये सबसे अच्छा लगा है। ये मैं टीवी में देखती थी, कोई एक यूट्यूबर है, उनके ऐसे पिलो पे उनके हस्बैंड और वाइफ की फोटो है दोनों, और कितना अच्छा लगता था। पर आज ये भैया ने बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया। और तो पता नहीं क्या क्या लाए हैं। कह रहे हैं आप जो भगत जी की दिखाते हो, ये गोपी स्वीट है, कहाँ की मिठाई? पिलखुआ की। इससे अच्छी बालूशाही नहीं मिल सकती, अभी खोल के बाद में दिखाएंगे। और आपका, आप क्या नाम है बाबू? आभा शर्मा। आभा, देखो मेरे को मनोज भैया का नाम याद है। राधिका। और बेटा आया नहीं है ना? हाँ जी बेटा नहीं, उसे एग्जाम दे दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या होगा इधर गंगा जी का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि इधर पत्थर निकल आएंगे। उस साइड से है पूरी गहरी ना, उस साइड पूरी फ्लो में रहेंगी। और हवा देखिए, मेरे बाल भी ना अलग वैसे हो रहे हैं। इस टाइम हवा बहुत चलती है, हवा की ठंड होती है, वैसे इतनी नहीं लगती, हवा से सर्दी लगती है और फिर बीमार हो जाते हैं। हाँ, ये योग महाकुंभ हो रहा है ना, ध्यान महाकुंभ मैं कहूँ, मेरे को ये तो कुंभ जैसा वो लग रहे हैं। ये उसी का है, ये यहीं पे होगा। ये देख लीजिए, ये जो शिविर होंगे ना, इतनी तेज हवा थी कि कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, स्पेशली बीच वाले पोर्शन में ना। अब यहाँ आके कम हुआ है क्योंकि कट है। गुड मॉर्निंग, ये मिल गए हमारे भैया। आज मैं इनको भूतनाथ मंदिर की तरफ लेके जाऊंगी, हैं लॉन्ग वॉक के लिए रेडी हैं, हैं? ये पालतू होती है ना, फिर इनको छोड़ देते हैं ऐसे घूमने के लिए। चारा वारा खिला के बहुत दिनों बाद आ रही हूँ इस साइड में। बहुत सुंदर बना दिया, पहले नहीं था ये। अब यहाँ गार्डन वार्डन भी मतलब लगा दिए, वो कर दिया। आ जाओ आ जाओ। अभी का ट्रैकिंग खत्म हो गई। इसलिए मणिकूट पर्वत है तपस्थली, विश्व प्रसिद्ध बाबा श्री भूतनाथ मंदिर तपस्थली देव भूमि मणिकूट पर्वत आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन। ये तो तब भी ऐसे ही था जब हम आते थे, ये रिपेयर हुआ है थोड़ा सा। ये जाएगी लक्ष्मण झूले की तरफ, पानी पीना तो पी लो, नलका लगा हुआ है। और ये टाट वाले बाबा और नीलकंठ की तरफ जो जा रहा है ना मेरा साइड, ये भी रास्ता जाता है। एक आवाज़ आ रही है ना नीचे, हिमशल, हिमशल के नाम से है ये झरना। मैं पता नहीं कितनी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे झरने पे। एक बार अपनी बहन के साथ आई, एक बार इनके साथ आई, एक बार प्रीति को लेके आई, अब चौथी पाँचवीं बार हो जाएगा। और एक बार टाट वाले बाबा जी के यहाँ गए तब आए। ये ऊपर है टाट वाले बाबा जी की गुफा, और इस टाइम नहीं आते, बाबा जी आते हैं 2 बजे के आसपास, तब वो गुफा खुलती है, उससे पहले नहीं खुलती। और ये है झरना, यहाँ पे हाथी आके पानी पीता है। कितने बड़े बड़े केले के पेड़ हो गए हैं ना। मैंने और शर्मा जी ने खोजा था ये सबसे पहले, जब चैनल नहीं था, अपनी सिस्टर को लेके ऐसे ही भूतनाथ मंदिर दिखाने ऐसे ही आगे, मैंने कहा आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। फिर चैनल था वो पहला भूतनाथ मंदिर का बनाया गया जो वीडियो है ना, उसमें खोजा था ये, जो जा राम झूले से आए थे हम।
देखिए कितना मतलब पानी के झरने की आवाज़ आ रही है, बाकी एकदम साइलेंट है यहाँ पे। और जब हम मैं शर्मा जी के साथ टाट वाले बाबा के यहाँ बनाने आए थे ना वीडियो, इतना गोबर था, गोबर नजर नहीं आ रहा हाथी का। सोचने वाली बात है, गोबर तो आना चाहिए इस रोड पे बहुत, क्योंकि लोग ना ब्रेड डाल के जाते थे तो उस वजह से हाथी आते थे। वैसे भी हाथियों का टाइम है भाई, आएंगे ये आपको थोड़ा सा आगे आते ही लकड़ियाँ दिख जाएंगी। ये टाट वाले बाबा की तरफ जा रहा है रास्ता, और ये नीचे जा रहा है भूतनाथ मंदिर जंगल के बीचों बीच से आते हुए। कड़ी पत्ता यहाँ बहुत मिलेगा आपको, कड़ी पत्ता ही कड़ी पत्ता है। और अब हमें यहाँ रह के आदत हो गई तो हमें इतनी स्मेल नहीं आती उसकी। इनके शर्मा जी के सामने मुझे डर लगता था जंगल में, वो पूरे रास्ते मुझे डांटते आते थे बहुत बुरी तरह से, डरपोक कहीं की फट्टू कहीं की पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ये है भूतनाथ मंदिर जिससे हम ऊपर गए थे ना, नहीं ऊपर तो दूसरे वाले से गए थे। ये बिल्कुल टी पॉइंट पे आके एक रास्ता आता है, वहाँ जाता है, उसमें से फिर ये जंगल का जाता है। वहीं से आप उतरते उतरते अपने राइट साइड लेफ्ट साइड में मुड़ते चले जाइए, आपको टाट वाले बाबा का रास्ता मिल जाएगा। हाँ ये देखो ये जंगली फूल हैं और ये बड़े वैसे रहते हैं, पर ये कितने सुंदर लगते हैं ना। मैं कोई वो वैसे क्योंकि जिम में देखो मैं, हाँ जिम का अभी आ गया तो मैं बता देती हूँ कि जो जिम ये भी जाते थे, इनके ऑफिस में भी था, तो वहाँ पे तो बड़ी बड़ी उनकी जो जिम करते हैं ना ट्रेल वॉक जैसे करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, उसमें क्या होता है अलाइनमेंट के, हमें क्या पता कि बैलेंसिंग है कि नहीं है, हैं तो उससे नी पे बहुत इफेक्ट आता है। उसमें और जो लोकल जो वैसे जिम होते हैं ना, इनकी तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की थी, खुद बताते थे कह रहे उनकी अलाइनमेंट बिगड़ी रहती है, तो ये इतने वैसे जिम जो नॉर्मल जो गलियों में चली जाती है लेडीज भी, फिर नी की प्रॉब्लम होती है ना, वो इसीलिए कि उसकी बैलेंसिंग बिगड़ी रहती है। इससे आप वॉक करोगे ना ध्यान कोई देता नहीं है, नहीं देता वो जिम के चक्कर में कि जिम का फैशन चल गया है। मैं गंगा स्थल से पैदल आई हूँ और मैं इतना घूम भी आई हूँ, और फिर 355 जाके दिखाऊंगी कितना होता है, मतलब 8 किलोमीटर भी नहीं होता होगा ये, इतना ही 4-5 किलोमीटर होता होगा बस ये कुल। भूतनाथ मंदिर की मैं एक बात बताना भूल गई थी, यहाँ पे कहते हैं पक्का पता नहीं है कि भूतनाथ मंदिर में भोले बाबा की बारात रुकी थी। पूरा ऋषिकेश दिखता है थर्ड फ्लोर इसके 13वीं मंजिल से ना, पूरा ऋषिकेश बैराज तक सब कुछ दिखता है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। कह रहे बोल देना हम नहा के नहीं आए इसलिए नहीं गए, मैंने कहा मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, वो तो मंदिर में आरती थी तो फिर थोड़ा सा बाहर से मतलब बिना टच किए, घंटी तो लगाई थी हाथ, लेकिन ऊपर नहीं गए भोले बाबा के यहाँ पे। अब हम इधर निकल रहे हैं भूतनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने से, ये रोड जा रही है अनुष्का शर्मा। हाँ अनुष्का शर्मा से याद रहेगा, तो अनुष्का को मेडिटेशन सीखना है तो वो विश्व सुंदरी सिखाएगी, अच्छा सिखाती है वो। ये क्या होता है अगर वॉक करने यहाँ से जाओ तो ये पूरा का पूरा जान निकाल देता है, पर ये है बहुत कम, और उतरने में मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि घुटने में बोलते हैं उतरने में, जिन लोगों को उतरना अच्छा लगता है ना उतरने में घुटने की प्रॉब्लम आती है, चढ़ना बहुत अच्छा मुश्किल होता है क्योंकि उतरना देखो कैसे भाग भाग के उतर रही है। व्यायाम करना अंकल के साथ, कितनी साल की हो, दौड़ो दौड़ो रुक के चलो फिर करो स्टार्टिंग में ऐसे ही करो, ये देखो सही कह रहे हैं, ये हमारे वाली टेक्निक कह रहे हैं। हाँ एक्सरसाइज पेट की, हाँ ऐसे ज्यादा मोटापा शरीर का है तो आप चाउमीन खाते हो, चाउमीन नहीं खाते आप इतनी, मैंने खाता चाउमीन खिलाते हैं खाते नहीं है, लड़का बनाता है मैं हेल्प करता हूं। अच्छा ठीक है, अनुष्का के बहुत सारे प्रश्न हैं बाबा जी से, वो करेगी वो और अच्छा है बच्चे प्रश्न लेके आ रहे हैं नए नए। इनको बाबा जी से मिलवा दिया, अकेले में शर्म आ रही थी, कह रही आप ही मिलवाओ, तो बाबा जी को बड़े खुश हो गए, कह रहे अच्छा है कि बच्चों के मन में प्रश्न है। ईशा ध्यान महाकुंभ होने वाला है ना अभी 2 दिन का, उसकी वजह से लगे हैं कुछ झंडे ना ऐसे ही, मैंने गंगा अभी एक भाई साहब आए अपनी वाइफ के साथ, मैं आपको प्लीज़ बता देती हूँ कि मैं डीलर नहीं हूँ, मैं
रूम्स नहीं दिलवाती, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। कुछ लोग स्पेशल इसीलिए मिलने आते हैं, देखिए आते हैं लेकिन वो अब कहते हैं मेरे को, कहते हैं रूम बताओ आप, यहाँ फ्लैट बताओ। मैं भी आप लोगों जैसी हूँ, हम गंगा स्थल से बाहर निकलते नहीं हैं, इसीलिए शर्मा जी ने बसेरा पार्ट 3 बनाया था। अब वो सुबह सुबह आ गए और दिया का स्कूल का आने का टाइम मतलब आई है, अब बेचारी को ब्रेकफास्ट दिया, देखो बच्चे का मुँह देखो पिचक गया भूख के मारे, है तबीयत वैसे ख़राब है। तो भैया ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस होती है मेरे से, रूम प्रॉपर्टी के बारे में प्लीज़ ना पूछे, मुझे कोई 1 से लेके 0 तक कोई आइडिया नहीं है, ना मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर को जानती और ना मैं ऐसे बताना चाहती कि मेरे चक्कर में आके आप फंस जाओ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे पास प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए ना आए। जाके मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, 12 बज गए, आंटी और दिया को जल्दी करा दिया था, फिर पूजा की और फिर गई। आज तो मेथी भी आंटी से कटवाई है फटाफट आंटी काट देती हैं सब्जी हमारी, बहुत देर हो जाती है सुबह अगर कोई आता है तो। सिंपल से टोस्ट बनाई, क्या करूँ बहुत देर हो गई। इस लड़की को कल मैं डॉक्टर के दिखा के लाई हूँ, तो ये गाड़ी में बैठते इसने बहुत अच्छी फीलिंग दी थी कि अच्छी गाने वाने चलाए, नहीं तो ये पता है क्या कहती थी, कल ऐसे हो गई थी मैं डर गई इसको देख के भगवान कसम कि पता नहीं ये अब गई है। और जैसे गाड़ी में बैठी इसने गाने चलाए, ये बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अब ये स्टीम नहीं ले रही है, इसको स्टीम लेने से एक बार में ही फर्क पड़ गया था। बाबा जी के यहाँ जा रही हूँ, दिया ये रही, दिया आएगी बाद में पैदल, फोन लिया इसने मेरा, अब पढ़ ले बैठ के पेपर है। मुझे ईश्वर के दर्शन जरूर चाहिए, ये जरूर मांगना चाहिए। रोना है तो ईश्वर में नहीं रो, मांगना है तो ईश्वर के दर्शन कर मांगो। दूध जैसे तैयार होता है तो बंदे लगता है, वो बंदे से क्या होता है, वैसे ये तो भाव है और ईश्वर भाव को ही चाहिए। ईश्वर को पेड़ा लड्डू नहीं चाहिए, बादाम बर्फी नहीं चाहिए, केसर पिस्ता नहीं चाहिए। रोती रहती हूँ, समझ ही नहीं आता क्यों परेशान हूँ, कई बार समझ में आता है पर श्योर नहीं होती कि उसी परेशान हूँ क्या, और पता ही नहीं कि सही क्या है मेरे लिए गलत क्या है। और कभी कभी पता भी होता है कि सही ये है तो उसको एक्शन नहीं कर पाती उस चीज पे। मन की अशांति मतलब मन के गुलाम हो चुके हैं, और मन जो है वह नौकर है, मालिक नौकर की बात सुनने लगा तो वो तो हमेशा फेल हो रहेगा, तुम UPSC भी फेल होने जा रहे हैं इस तरह स्थिति में। 100% तो डर है ना कि नहीं डर रही है, तुम 100% फेल होने जा रही हो, तुम इसके साथ बीता का वो जोड़ लो। और फिर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, जल्दी जिस दिन तुम उसको समझ ली तो तुम गारंटेड पास हो, माने टॉप 10 में भी आ सकते हो। इसके तुम बोलोगे तो हो ही नहीं सकता, पढ़ा नहीं है ना, तो करना हमें ही है। हाँ तो भरना भी हमें है, जैसे ही पढ़ने है तो फिर ईश्वर का रोल कहाँ पे है? ईश्वर दृष्टा है ना, देख रहे हैं तो ईश्वर दृष्टा है, और वो तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देता है, और वो भी खुद नहीं देता है, उसने ने शनि बृहस्पति शुक्र सूर्य सब बता राहु केतु को सेट कर दिया। ये बड़े बड़े ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, राष्ट्रपति साइन करके कानून बना दिया, अब राष्ट्रपति जाता है क्या चोर को पकड़ने, कौन जाता है? तो जो चोर चोरी करता है वो क्यों करता है, वो भगवान को, वो मन के अधीन है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंजॉय लाइक लोकल, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। हर हर गंगे खुश रहे मस्त रहे, हर हर गंगे हर हर महादेव।